जय जगन्नाथ। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल नटखट सुहानी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग घर पर ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा हेयर बैंड कलेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरा फर्स्ट हेयर बैंड। तो मेरा फर्स्ट हेयर बैंड है ये बनी हेयर बैंड। ये मैंने अभी परचेस किया था और ये मेरा सबसे फेवरेट हेयर बैंड है। और आपने मेरे कई वीडियो में देखा होगा कि मैंने ये हेयर बैंड पहना है। ये मेरा इसलिए फेवरेट है क्योंकि पिंक कलर मेरा बहुत ही फेवरेट है, तो हेयर बैंड भी मेरा बहुत ही फेवरेट है। तो ये बहुत ही स्क्विशी है और पिंक कलर का है। ये कॉम्बाइन हुआ है डार्क पिंक और बेबी पिंक के, तो ये मुझे बहुत ही पसंद है। मैं आपको पहना के दिखा देती हूँ। देखिए, ये मेरा बहुत ही फेवरेट क्लिप है। मैं यहाँ पर रख देती हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है मेरा और एक डिज़ाइनर हेयर बैंड। तो ये मेरे जब दादाजी आए थे तो वो मेरे लिए लेकर आए थे हेयर बैंड, और मुझे बहुत अच्छा लगा। पिंक कलर मेरा फेवरेट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना क्यूट स्टोन्स लगा है, ये मुझे बहुत ही पसंद है। इससे भी मैं बहुत पहनती हूँ। देखिए, नेक्स्ट है ये बनी हेयर बैंड। ये बहुत ही अच्छा है। इससे मैं बनी हेयर बैंड क्यों बोलती हूँ आपको बताऊँ? मैं जब इसे पहनती हूँ ना, ऐसे ऐसे करने से ये ऊपर नीचे होता है और बनी भी ऐसे ही रहता है, तो इससे मैं बनी हेयर बैंड बोलती हूँ। और ये रियल में बनी लगता है। देखिए, मुझे बहुत ही पसंद है। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है और मुझे बहुत फेवरेट है मेरा क्लिप। वाओ। नेक्स्ट है ये पिंक कलर का हेयर बेल्ट। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मम्मी मेरे लिए लेकर आई थी, तो इसमें ग्रीन कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर तीनों कलर है और बीच में स्टोन है। एंड ऐसे पिंक कलर का ये लगा हुआ है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बट थोड़ा सा स्मॉल होता है मुझे, पर इसका जो कलर है मुझे बहुत पसंद है। तो आप जैसे कि पता है मुझे एना और एल्सा बहुत पसंद है, तो मेरे लिए मम्मी एना और एल्सा का क्लिप लाई थी। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसमें एना और एल्सा दोनों हैं और ये मेरा सबसे फेवरेट है। देखिए, इसमें है एना, इसमें है एल्सा। मुझे बहुत ही पसंद आता है। पिंक कलर का मेरा सबसे फेवरेट है और ब्लू कलर मुझे थोड़ा थोड़ा पसंद है, और इसके साथ मैच भी होता है। मैं पहन देती हूँ। देखिए, मैं इसे पहने रखती हूँ क्योंकि इसके साथ मैच होता है। तो नेक्स्ट है ये वाला हेयर बैंड, जिसका जो शेप है वो दोनों सेम ही है, बट इसका जो कलर एरिया है वो अलग है। जैसे कि इसके अंदर पर्पल एंड ब्लू कलर है और मुझे बहुत ही पसंद आता है। देखिए, एंड इसमें पर्पल एंड स्किन कलर का फ्लावर है, पर सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद आता है। आपको क्या पसंद आता है मुझे बताना। नेक्स्ट है ये वाला हेयर बेल्ट। ये हेयर बेल्ट में ना मतलब दोनों सेम ही दिखते हैं, बस इस हेयर बेल्ट में थोड़ा डिज़ाइन है। तो पहले मम्मी मेरे लिए ये लाई थी, मुझे लगी बहुत क्यूट एंड फ्लफी है, मैं इसे पहनती थी। एंड देन मम्मी ने बहुत दिन के बाद ये लाया, तो मैंने बोला दोनों सेम ही है, बस इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा अलग है। जैसे कि इसमें बहुत ही क्यूट सी स्क्विशी स्क्विशी ये वाला है, और तब से मैं यही ज़्यादा पहनती हूँ। तो जो देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है ये वाला हेयर बैंड। ये पूरा कम्प्लीटली इसके साथ मैच होता है ना, मैच होता है ना, मुझे बताना। मुझे तो लगता है बहुत ही सुंदर है। जब मैं वेडिंग में गई थी, मेरे मामू के वेडिंग में, वहाँ पर बहुत सारे शॉप्स थे, तो मैंने वो शॉप में से एक शॉप में से मैंने ये परचेस किया, क्योंकि बहुत ही मुझे अच्छा लगा। एंड देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और मुझे डिज़ाइनर वाले हेयर क्लिप्स बहुत ही पसंद है। आपको कैसे पसंद है, कैजुअल या पार्टी वेयर, मुझे कॉमेंट्स में बताना। तो नेक्स्ट है ये वाला हेयर बेल्ट। ये भी इसके साथ थोड़ा थोड़ा मैच होता है, और ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत ही क्यूट स्टोन्स है एंड बहुत ही क्यूट से फ्लावर्स एंड ये बैंड। तो ये मुझे अच्छा लगता है। देखिए कैसे आवाज़ आते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। मैं जब ऐसे ऐसे कर दूँ ना, ये ऐसे दिखा ना, देखो। ये भी मेरा बहुत ही फेवरेट है। तो नेक्स्ट है ये रेड वाला बनी क्लिप। ये मेरा फर्स्ट क्लिप था, जब मैं फिफ्थ में थी तब आया था, तब से मैं बनी क्लिप्स पहनती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड देखिए, ये रेड कलर के जो मेरे पास ड्रेस है ना, मैंने उसके साथ ही पहना था, मुझे बहुत ही पसंद है ये। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ये वाइट कलर का क्लिप। ये सेम टू सेम इसके जैसे ही है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक इसमें फ्लावर्स है, इसमें फ्लावर्स नहीं है, बट इसमें जो स्टोन है, इसमें स्टोन है, बट ये वाइट कलर का है। इसमें पर्पल कलर का था एंड इसमें बहुत ही क्यूट सी इस बैंड है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वाइट कलर का। देखिए, मुझे ऐसे वाले हेयर बेल्ट बहुत ही पसंद है, फ्लावर टाइप हेयर बेल्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट हेयर बैंड। तो ये है नेक्स्ट हेयर बैंड। ये बहुत ही अच्छा है, ये मेरा फेवरेट हेयर बैंड है। तो मैंने कब लिया आपको पता, मैं जब फोर्थ स्टैंडर्ड में थी मैंने तब लिया था। तो मेरे बर्थडे के दिन मैंने मैचिंग मैचिंग में ड्रेस पहनना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे परचेस किया था और बहुत ही अच्छा लगा। और मैं इसे पार्टी टाइप ड्रेसेस में ही पहनती हूँ, सिंपली ऐसे नहीं पहनती हूँ।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है एक कलरफुल बैंड। मैं इसे क्यों ऐसे बोलती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स है, जैसे कि यहाँ पे येलो कलर है, बहुत ही सारे कलर, देखिए ब्लू स्किन कलर, देन ग्रीन कलर, पिंक कलर, बहुत ही सारे कलर्स है, इसलिए मैं इसे बोलती हूँ कलरफुल बैंड। ये बहुत ही मेरा फेवरेट है, अब तक का मेरा बहुत ही फेवरेट है। तो नेक्स्ट है ये लाइट कलर वाला क्लिप, क्योंकि ये वाला ना बहुत ही लाइट कलर, देखिए तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट है वाइट स्टोन वाला हेयर बैंड, देखिए कितना अच्छा है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है, सिंपल है, यहाँ पे स्टोन है बहुत, ये मैं से स्कूल में जब जाती हूँ ना वहाँ पहनती हूँ। नेक्स्ट है वाइट कलर का हेयर बैंड, देखिए तो ये भी मेरे स्कूल के लिए चाहिए था मुझे, इसलिए मैंने इसे परचेस किया था, इसे मैंने एक्स्ट्रा दो दो परचेस कर लिया था, और मुझे शॉप में यहाँ पे और एक डिज़ाइन का मुझे दिख गया था, तो मैंने ये भी परचेस कर लिया। और अब मैं दिखाती हूँ आपको ब्लैक कलर का जिगजैग वाला हेयर बैंड, देखिए ये वाला जो जिगजैग जो हेयर बैंड है, मैं जब भी इसे पहनती हूँ मेरे पूरे बाल ऐसे हो जाते हैं, तो मैं इसे ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, थोड़ा कभी कभार पहनती हूँ, एंड ये वाला भी मैं कभी कभार ही पहनती हूँ, क्योंकि ब्लैक कलर मुझे इतना पसंद नहीं है, मैं कलरफुल क्लिप्स पहनती हूँ, मुझे वो पसंद है ज़्यादा। तो भी इसे भी मैंने स्कूल के लिए लाया था, जितने भी मैंने एक सिंपल ब्लैक कलर का लाया है, सिंपल वाइट कलर का लाया है, वो मैं स्कूल के लिए लाया है। तो नेक्स्ट ये स्टोन वाला हेयर बैंड ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ही सारे स्टोन्स है, लाइक यहाँ पे स्टोन्स हैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप के स्टोन्स हैं, इसलिए मेरे बहुत ही फेवरेट है। एंड मुझे नहीं पता मैंने इसे कब लिया था, बहुत शायद से साल हो गए लेते लेते। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आपको पहन के दिखाती हूँ, देखिए। तो नेक्स्ट है ये थ्री ब्लैक क्लिप्स, ये मैंने स्कूल के लाया था, देखिए ये मैं स्कूल में पहनती थी, बट ये दोनों तो ब्लैक है, बट ये थोड़ा सा पिंकिश है, आप देखिए थोड़ा पिंक एंड ब्लैक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है ये और एक पिंक कलर का हेयर बैंड जो निकल गया है, मैंने इसे कब लाया था मुझे नहीं पता, बहुत पहले लाया था मैंने, इसलिए पूरा इसका निकल गया है, आप देख सकते हैं कैसे हो गया अभी इसका हालत। तो मैं इसे ज़्यादा नहीं पहनती हूँ। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ये फ्लावर वाला क्लिप, इसे मैंने अभी परचेस किया था, एंड आपने मेरे कई वीडियोज़ में देखा होगा कि मैंने इसे पहना था। ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन टू कलर्स है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखिए क्लिप कितना अच्छा लग रहा है, देखिए फ्लावर क्लिप, मुझे फ्लावर क्लिप बहुत ही पसंद है, मैं तो आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। तो लास्ट हम लोग देखते हैं, लास्ट में है ये हार्ट वाला क्लिप, देखिए कितना क्यूट एंड सुंदर है, इसका जो डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये वाला परचेस किया था। एंड इसमें जो पिंक कलर, वाइट कलर एंड बहुत ही क्यूट स्मॉल हार्ट है, देखिए मैं इसे पहन लेती हूँ, कितना अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये था लास्ट क्लिप, और मैंने पूरे मेरे हेयर बैंड्स दिखा दिए हैं आपको, मैं एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। दिखा मेरे पूरे हेयर बेल्ट कलेक्शन, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, मेरे वीडियो को शेयर करना, और फ्रेंड्स मुझे बताना कि आपको मेरे पूरे हेयर बेल्ट में से कौन सा हेयर बेल्ट अच्छा लगा, मुझे कमेंट्स में बताना। एंड फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलना, जिससे मेरे न्यू अपडेट वीडियोस आपके तक जल्दी से पहुंच जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको मिलती हूं एक नेक्स्ट एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।